शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच यही है। यह हिमालय क्षेत्र में 124 साल पुराना एक दुर्लभ प्रजाति का फूल खिला है। जी हाँ, इस फूल का नाम लिपेरिस पिग्मेया है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल में यह फूल 100 साल से ज्यादा पहले दिखाई दिया था, और अब यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के चमोली जिले में यह फूल दिखाई दिया है। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाला वीडियो मिल सके। आखिर सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस लिपेरिस पिग्मेया की करीब 320 प्रजातियां हैं, जिनमें से करीब 48 प्रजातियां भारत में हैं, और इनमें से भी 10 प्रजातियां पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अब तक प्राप्त हो चुकी है। चमोली जिले में करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सप्तकुंड ट्रैक पर यह अद्भुत और दुर्लभ फूल दिखाई दिया है। इससे पहले कभी भी यह फूल इस इलाके में नहीं देखा गया था। दुर्लभ प्रजाति का यह फूल जून माह में 5 सेंटीमीटर तक खिलता है। इस फूल की करीब 1250 प्रजातियों में से 250 प्रजातियां भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों में मिलती है, और यह सभी 3100 से 3900 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह फूल सिक्किम में 1877 और 1892 में देखा गया था। फिर 1986 में यह फूल बंगाल में दिखाई दिया था, और उसके बाद से 2020 में कई वर्षों बाद यह फूल दोबारा खिला है। यह घटना हमें हिमालय संरक्षण के लिए बेहतर कदम उठाने का सीख दे रहा है। अगर हमारी सरकार हिमालय के क्षेत्र की सुरक्षा अगर अच्छी तरह से करे, बहुत सी बड़ी संख्या में जड़ी बूटी, औषधीय पौधे और विभिन्न तरह के फल फूल इस हिमालय क्षेत्र से प्राप्त हो सकती है। मेरा वीडियो छोटा होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में अपने स्तर से पूरी सत्य और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और हम आपके लिए एक से एक जानकारी उपलब्ध करा करके इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुँचाते हैं।